नमस्कार। गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम व क्रांति के कारणों का अध्ययन है वो करेंगे। तो देखिए, अमेरिका महाद्वीप की खोज के बाद स्पेन, इंग्लैंड, पुर्तगाल, फ्रांस और भी बहुत से यूरोप के राष्ट्र अपनी औपनिवेशिक सत्ता के लिए, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अमेरिका की भूमि पर बस गए थे, अपनी बस्तियां स्थापित कर दी थी। अमेरिका में ऐसी कई बस्तियां आ गई थी जो भिन्न भिन्न देशों की थी। इन सभी ने अमेरिका के मूल निवासियों के साथ अत्याचार किए, शोषण किए और सिर्फ इन्होंने अपना फायदा देखा। यहाँ तक कि अमेरिका के एक बड़े भूभाग पर अंग्रेजों का, ब्रिटेन का, इंग्लैंड का अधिकार हो गया था और वे अमेरिका के अन्य लोगों के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार कर रहे थे और इसी कारण अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम में वो शुरू हुए थे। तो देखिए, अमेरिका उपनिवेशों की क्रांति विश्व इतिहास की घटनाओं में से प्रमुख मानी जाती है और इतिहास में अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का अपना अलग ही स्थान है। अमेरिका के 13 उपनिवेशों में आबाद लोगों में काफ़ी भिन्नता थी और उनमें से बहुतों को इंग्लैंड से कोई विशेष शिकायत भी नहीं थी। फिर भी परिस्थितियों ने उन्हें एकता के सूत्र में बांध दिया था और वे शक्तिशाली इंग्लैंड के विरुद्ध आंदोलन के लिए उठ खड़े हुए और अंत में इंग्लैंड के निरंकुश निराकारी शासन से मुक्ति भी प्राप्त की थी। उपनिवेशों के असंतोष के मुख्य कारण थे कि इंग्लैंड सरकार अपने फायदे के लिए अमेरिकी उपनिवेशों पर तरह तरह के कर लगाते थे जिनसे यहाँ के लोग त्रस्त थे। और भी बहुत कारण थे। तो पहला कारण है उपनिवेशियों में इंग्लैंड के प्रति प्रेम का अभाव, अर्थात जो लोग इंग्लैंड को छोड़कर अमेरिका के 13 उपनिवेशों में बसने के लिए या रहने के लिए आए थे उनमें से अधिकांश लोगों का इंग्लैंड के होते हुए भी इंग्लैंड के प्रति कोई लगाव नहीं था, क्योंकि वे इंग्लैंड से परेशान होकर अच्छे जीवन जीने के लिए यहाँ आए थे। और बहुत से लोग धार्मिक अत्याचारों से परेशान होकर अमेरिकी उपनिवेशों में बसे थे। ऐसे लोगों को इंग्लैंड के चर्च और वहाँ की सरकार से कोई विशेष सहानुभूति या प्रेम नहीं था। अंग्रेजों के अलावा अन्य यूरोपीय देशों के बहुत से लोग भी उपनिवेशों में आकर बस गए थे और उन लोगों से इंग्लैंड के लिए कोई सहानुभूति की आशा तो हम देख भी नहीं सकते थे।
क्योंकि इंग्लैंड के लोग इंग्लैंड के प्रति सहानुभूति नहीं रखते थे, तो अन्य देशों से आकर बसे हुए लोग तो उनके प्रति कोई सहानुभूति है वो नहीं रखते होंगे। 17वीं सदी में इंग्लैंड से जिन लोगों को अपराधी के रूप में सजा देकर सजा दी जाती थी उन्हें भी अमेरिका में भेजा जाता था, ऐसे में वे भी इंग्लैंड के खिलाफ थे और इंग्लैंड ने अपने उपनिवेशों में अपना फायदा मुनाफा बढ़ाने के लिए यहाँ के लोगों पर शोषण किया, अत्याचार किए। इससे इंग्लैंड के प्रति सारे लोग हैं वो क्या हो गए थे, नाराज हो गए। इसके अलावा उस समय यातायात के साधन इतने खराब और अपर्याप्त थे कि इंग्लैंड और ये उपनिवेश एक दूसरे के संपर्क में अधिक ना आ सके और इस प्रकार दोनों के पारस्परिक संबंध बहुत ही अच्छे थे। और जब उपनिवेशों में इंग्लैंड के विरुद्ध विद्रोह उठ खड़ा हुआ तो उपनिवेशों में इंग्लैंड के प्रति सहानुभूति रखने वाले लोगों की संख्या बहुत कम थी। दूसरा है चारित्रिक भिन्नता। तो उपनिवेशों में रहने वाले लोगों और इंग्लैंड में रहने वाले लोगों में काफ़ी चारित्रिक भिन्नता थी। उपनिवेशियों की 90% जनसंख्या अंग्रेज थी, परंतु ये अंग्रेज इंग्लैंड के अंग्रेजों से भिन्न थे। इस बारे में इतिहासकार ट्रेवेलियन ने लिखा था कि जहाँ अंग्रेज समाज पुराना था और उसमें पेचीदापन और कृत्रिमता आ गई थी, वहाँ अमेरिकन लोग अभी भी नए नए और सरल थे। अर्थात दोनों के विचार अलग थे। अमेरिका में जो इंग्लैंड से आकर बसे हुए लोग थे वे सरल सीधा जीवन यापन करना चाहते थे, और जो इंग्लैंड के लोग थे वे छल कपट आदि सभी का सहारा है वो लेते थे। उन्होंने अपनी सारी पूर्व धारणाओं और रीति रिवाजों को त्याग कर अमेरिका में एक नया जीवन अपनाया था और वे अब अपने आप को अमेरिकी मानते थे, न कि इंग्लैंड का मानते थे। इस प्रवृत्ति को अन्य राष्ट्रीय दलों और संस्कृतियों के सम्मिश्रण से जो साथ साथ हो रहा था उससे और अधिक बल मिला। अंग्रेजों और अमेरिका के लोगों में धार्मिक मतभेद बढ़े। उपनिवेशों के अधिकांश निवासी व्यापारी ही होते थे। उनका उद्देश्य व्यापार करना होता था और इंग्लैंड के लोग इंग्लैंड के शासक उनके प्रति भेदभाव करते थे। अब अगला है उपनिवेशियों का स्वतंत्रता प्रेम। अर्थात उपनिवेशों में जो बस्ती बसाकर इंग्लैंड व अन्य देशों से जो लोग आए थे वे स्वतंत्र प्रिय थे। वे किसी दूसरे देश की सत्ता को स्वीकार नहीं करते थे। उनमें जनतंत्र शासन पद्धति और स्वतंत्रता का अधिक प्रचार था और इसकी स्पष्ट झलक वर्जीनिया के प्रथम अधिकार पत्र में ही देखने को मिलती है, जिसमें जोर देकर कहा गया था कि बसने वालों को सभी स्वाधीनताएं, मताधिकार एवं रियायतें प्राप्त होगी, ठीक उसी तरह जैसी वे इंग्लैंड में जन्म लेने पर प्राप्त करते हैं। और यह एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण बुनियादी प्रश्न था। इस अधिकार पत्र से ये स्पष्ट होता है कि वे इंग्लैंड के समान ही स्वतंत्रता चाहते थे। एक
अत्यंत ही महत्वपूर्ण बुनियादी सिद्धांत था। नए महाद्वीप पर पैर रखने के प्रथम वर्ष से ही उपनिवेशी अंग्रेजी कानून और संविधान के अनुसार कार्य करने लगे थे। उनकी विधानसभा थी, प्रतिनिधि शासन पद्धति थी, कॉमन लॉ यानी सामान्य विधि द्वारा आश्वासित व्यक्तिगत अधिकारों की मान्यता थी, उपनिवेशों में आगे बढ़ने की भावना थी। इन तमाम कारणों से वे इंग्लैंड के अधीन रहना चाहते नहीं थे। फिर है दोषपूर्ण शासन व्यवस्था। कौन सी दोषपूर्ण? अंग्रेजों की, इंग्लैंड की। तो उपनिवेशों की शासन व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं थी, उसमें कई दोष थे। उस समय अमेरिका में शासन पद्धति के तीन अंग थे, गवर्नर, गवर्नर की कार्यकारिणी समिति और तीसरा विधायक सदन व असेंबली। गवर्नर व उसकी कार्यकारिणी समिति जो होती थी वो तो ब्रिटेन के सम्राट के अंतर्गत थी और विधायक सदन के प्रति उत्तरदायी नहीं होते थे। विधायक सदन के प्रति उत्तरदायी नहीं होते थे। विधायक सदन में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते थे। कानून निर्माण और कर लगाने का अधिकार, कानून निर्माण और कर लगाने का अधिकार विधायक सदनों के हाथ में था। तो ऐसी स्थिति में गवर्नरों के लिए जनता के प्रतिनिधियों का विरोध करना बहुत ही कठिन काम हो गया था। इसका एक अन्य कारण भी था कि शासन कार्य चलाने वालों, गवर्नर सहित सभी लोगों का वेतन तय करने का अधिकार विधायक सदनों के पास था और कभी कभी वे अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी गवर्नर अथवा जज के वेतन की धनराशि की मांग को अस्वीकार कर देते, कम कर देते। उपनिवेशों के विधायक सदनों का ये रवैया इंग्लैंड की सरकार को बहुत बुरा लगता था, क्योंकि इससे गवर्नरों और जजों की महान हानि होती थी, अपितु उनके अधिकार प्रयोग का बंधन भी लग जाता था। और इस अधिकार और ये अधिकारी अपने को आपको स्वतंत्रतापूर्वक काम करने में असमर्थ मानते थे और इसी कारण से वे इस दोषपूर्ण व्यवस्था से मुक्ति पाना चाहते थे। अगला है अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का कारण। उपनिवेशों की उपयोगिता है वो भ्रांत धारणा थी। तो देखिए, उपनिवेशों की स्थापना तथा उनकी उपयोगिता के संबंध में इंग्लैंड की सरकार तथा आम जनता एक भ्रांत धारणा से ग्रस्त थी। उनका मानना था कि उपनिवेश इंग्लैंड को लाभ पहुंचाने के लिए है और इसी आधार पर वे उपनिवेशों का आर्थिक शोषण करना चाहते थे। इंग्लैंड के लोगों का मानना था कि जिस प्रकार बौद्धिक एवं सामाजिक परंपराओं में उपनिवेश इंग्लैंड के अधीन था, परंतु उपनिवेशी इस प्रकार के विचारों को अधिक समय तक सहन करने को तैयार नहीं थे। वे अपने व्यवसाय तथा उद्योग का स्वयं ही प्रचार करना चाहते थे। इंग्लैंड के हितों की वृद्धि करने में उनकी कोई रुचि नहीं थी। दूसरी तरफ इंग्लैंड का जो शासक वर्ग ये चाहता था कि उपनिवेश उसकी धन एवं सत्ता की वृद्धि में सहयोग देते रहे, पर वस्तुतः अंग्रेज सामंतों, उनके परिवारजनों और कृपा पात्रों को अमेरिकी उपनिवेशों में बड़ी बड़ी नौकरियां मिलती थी। सम्राट की तरफ से उनको भूमि के विशाल क्षेत्रों के आज्ञा पत्र मिलते थे। अंग्रेज व्यापारियों की लोभपूर्ण दृष्टि भी
अमेरिका के उपजाऊ कृषि क्षेत्र और कच्चे माल पर टिकी हुई थी। इसलिए अंग्रेज शासन अमेरिकी व्यवसाय और व्यापार को अपने हित में मोड़ने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता था। बस्तियों के व्यापार और शिल्प उद्योग संबंधी कानून इंग्लैंड के लाभ की दृष्टि से ही पास किए जाते थे। इनको तीन समूहों में बांटा जाता था और वे कानून जिनके द्वारा पोत निर्माण तथा जल मार्ग के सामान ढोने पर प्रतिबंध लगाए जाए, इनको नौसंचालन नियम कहते हैं। और इन नियमों द्वारा ये निश्चित किया गया कि सामानों का आयात तथा निर्यात, चाहे वह यूरोपीय देशों को हो अथवा इंग्लैंड को हो, अंग्रेजी जहाज़ों में ही हुआ करेगा और जहाज़ों के संचालक हैं वो अंग्रेज ही होंगे। ये ऐसे कई विचार थे, ऐसे विचारों के कारण से जिसमें केवल और केवल इंग्लैंड का लाभ देखा जाता था, अन्य किसी का लाभ नहीं देखते थे, इससे उनके मन में संघर्ष का भाव है वो पैदा हुआ और एक क्रांति का रूप है वो धारण किया था। धन्यवाद।